बासिन यूनियन खराब है भाई, यूनियन में ताकत नहीं है बाबू। बासिन इनको तो मिल रहे हैं ना, मर तो हम रहे हैं। पन्नी ले आ। गुड मॉर्निंग गाइस, आप देख रहे हो कि मैंने अभी अभी भिंडी तोड़ी है अपने घर की, और कितनी फ्रेश है और कितनी अच्छी लग रही है ना, हरी हरी, कोई गली वली नहीं। और ये हरी मिर्च भी बीच में तोड़ी है। और काइंड इंफॉर्मेशन, भिंडी हरी होती है जो ताजी होती है, पीली पीली गंदी भी होती है वो जो सड़ चुकी होती है, बट ये देखो भिंडी कितनी साफ सुथरी है। कभी ना नहाने वाले बोलते, वैसे बोल दे जोर से बोलियो यही चीज। आई एम बैटमैन। बहुत अच्छा सीजन दिखानी है। उल्टी गिनती हो रही है उसमें। तो हमने सुबह सुबह भिंडी तोड़ ली है, और हम सुबह की चाय के साथ हम आजकल लेट उठ गए हैं, और आज हमारा है आखिरी दिन, आज गणपति को विसर्जन करना है। तो मैं और वरुण जाएंगे गणपति जी को लेके विसर्जन करने के लिए, और हम भी आओगे, ये बच्चा भी आएगा छोटा सा, है ना। तो हम मिलते हैं आपको गणपति की विसर्जन पर। तो अब हम जा रहे हैं बप्पा का विसर्जन करने, और भगवान सबकी विशेष पूरी करे और अगले बरस जल्दी आए। तो आप मेरे बप्पा जी को देख रहे हो कितने प्यारे से लग रहे हैं, तो अगले बरस बप्पा जल्दी आए और आप सबकी विशेष पूरी करें। तो गणपति बप्पा मोरिया। अब हम जा रहे हैं जमुना जी की तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ यही है। हमारे बप्पा चले गए हैं और घर ऐसा सूना सूना। इस इंसान को देख रहे हो जो ये खा रहा है, ये इंसान हमेशा खाने से पहले मुझे खिलाता है एक बाइट, आज ये खुद खा गया, शर्म नहीं आई इस आदमी को। आज तो दोस्तों ने बेइज्जती कर दी, आज जब बेइज्जती, अब मैं नहीं खा रही, जाओ खा ना यार, प्याज था इसमें इसलिए नहीं दे रहा था। शक्ल दिखा रहा हमने, तुम्हारी कसम, मैं फिर गुस्सा करूंगा। ये देख लो इस आदमी को, ये आदमी मुझे खिलाता है हमेशा, और आज ये खुद खा गया, खुद खुद खुद। और तुम सुनाओ, सुनाओ सुनाओ तुम सुनाओ सुनो सुनाओ। आज आप देख रहे हो ये दोनों बैटमैन, एक करंट में टी शर्ट दिखाई हो, अबे ओ ये भगवान, झगड़ा कितने करते दोनों, ये बैटमैन और ये भी क्या है, ये भी बैटमैन है, इसमें बैटमैन लिखा हुआ यार। ओए होए भाई, टी शर्ट तो अच्छी है मगर तुम पे अच्छी नहीं लग रही, दोनों बैठ। तो मैं अब बना रही हूँ राजमा, और राजमा ज़्यादा है यार, दाल मखनी वाली दाल कम है, तो मैंने कोई इसे भिगो के नहीं रखा। अब मैं इसमें एक सीटी लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी क्या प्रोसीजर जो मैं फॉलो करती हूँ अपने आप का। एक सीटी आ गई थी, तो अब मैंने इस पर ठंडा पानी डाला है, और इसमें पानी डाल दिया, और इसमें सीटी आ जाएगा। अब इसमें मैं डालूँगी सरसों के तेल की 2-3 बूंदें। नमक, सरसों के तेल, सरसों का तेल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इससे थोड़ा राजमा ना घुटे हुए हो जाते हैं, जल्दी बन भी जाते हैं और घुट जाते हैं। ज़्यादा नहीं डालना होता इसमें, थोड़ा सा ही डालना है। ये अब इसमें सीटी आएंगी जब तक, और मैं मसाला तैयार करूँगी। मैं आपको अपना ये तड़का दिखाती हूँ। तो मैंने इसमें अब मुझे इसमें डालना होगा राजमा। तो अभी देख रहे हो ये तेल निकल गया, साइड में आ गया, तो अब मैं इसमें तड़के में डालूँगी। तो अब मैं इसमें तड़का डाल रही हूँ,
गाइस आप देख सकते हैं ये राजमा घोट दो थोड़ा सा। अरे जल्दी कर दो जो कर रहे हो भैया, मेरे को ना बहुत तकड़े वाली भूख लग रही है, मेरे कुत्ते फेल हो गए हैं। और धनिया डाल के तो और खतरनाक कर दो, बंद कर दो। आई लव यू फॉर दिस। ये मेरे राजमा चावल बन गए हैं। वैसे पार्टी तुम्हारी आजकल दो दिन से बहुत हो रही है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैंने प्याज को कद्दूकस किया ना तो आंखों में से पानी ऐसे जा ही नहीं रहा था, मैंने मुंह धो के आई हूँ। कहते हैं जिसकी जिसको प्याज कद्दूकस करने से मतलब प्याज छीलने से ज़्यादा आंसू आते हैं या पानी आता है आँखों से, उसकी सांस बहुत प्यार करती है। मगर यहाँ तो सिर्फ मुझे कोई प्यार करे ना करे, मेरे हस्बैंड प्यार करे, मेरे बच्चे प्यार करे और मेरे पापा प्यार करें, मुझे इतना ही काफ़ी है। और मेरी पब्लिक, मेरे फ्रेंड्स मुझे प्यार करें, मेरे सब्सक्राइबर और मेरे साईं जी जो यहाँ से देख रहे हैं। वैसे प्यार करने वाले बहुत जने हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया कि मैं थक जाऊँ, बट फिर भी थक गई हूँ। और वरुण का दोस्त मिला आज, पर उनकी जो क्लास लगाई है ना बेचारे ने, क्या बेइज्जती मारी भाई। जो बंदे ने उस बंदे ने जो बोला है ना, उसको तो मतलब ये लग गया था कि भाई आज मुझे ना सही बंदे के पास फोन पहुंच गया है। एक्चुअली मैं उस साइड में कभी गई नहीं हूँ और मुझे उस चीज़ की नॉलेज मतलब उस एरिया की नॉलेज नहीं कि वहाँ पर क्या कुछ खाने को मिलता है और क्या नहीं मिलता है। तो इनका एक क्लोज फ्रेंड्स है, इनका मतलब वही लड़कों के जो ग्रुप्स होते हैं। तो उनमें से एक फ्रेंड है जो एक्टिव रहता है, मतलब हेल्पफुल है, फ़ोन उठा लेता है। और उसी को मैंने फ़ोन किया क्योंकि ऐसे लगता है कि वो लड़का अच्छा है और वो बात करेगा ढंग से। तो मैंने जब उसे फ़ोन किया तो उसको बिलीव नहीं था कि मैं बात करूँगी। मतलब अब लड़के लड़के बात करते तो हेलो करके यही तेरी माँ भी तेरी बहन भी कर दे। तो मैंने जब उससे बात करी तो उन्होंने बोला कि उसने सोचा कि वरुण की आवाज़ लड़कियों जैसी कैसी हो गई। उसने सोचा कि वरुण होगा, बट मैंने फ़ोन मतलब मुझे पूछना था कि आपके उस साइड एरिए में क्या क्या अच्छा खाना मिलता है। तो उसने जो वरुण की क्लास लगाई कि आपको पता है ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसे करता है, इसका हर ब्लॉग में पेट दिखता है, तो नहीं क्या क्या। और सीरियसली मैं हंस हंस के मतलब वरुण सोच रहा कि मेरा दोस्त मेरी बेइज्जती कर रहा है, मेरी बीवी हंस रही है। सो अच्छा था, फिर उससे भी मिले, बहुत मस्त बंदा है। और काफ़ी कुछ बताया उसने कि आप अपने ब्लॉग में ऐसे करो। अच्छा लगा मुझे कि उसने मेरी कमियां बताई हैं और उस चीज़ को मैं इम्प्रूव करूँगी। अब वो मेरा ब्लॉग देख रहा होगा तो ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, अच्छा लड़का है। और बट जब वो आया था ना, पता है जब वो आया था ना वरुण, मैंने उसको कभी नहीं देखा ना, मैं उसे कभी मिली हूँ, बट हाँ व्हाट्सएप की डीपीज़ वगैरह में देखा है। बट जब वो दूर से आ रहा था ना तो मैंने उसको पहचान लिया। मैंने इनको बोला, मैंने कहा देखो ये तुम्हारा दोस्त आ रहा ना, वो ये बोल रही है हाँ ये तो मेरा दोस्त है। और जब वो बैठा, वो एक्चुअली लंच करके आया था, इतना प्याज खा के आया था, इतना प्याज खा के आया था। मुझे प्याज से इतनी नफरत है ना, और वो आप मानोगे नहीं, मैं खाने में प्याज डालती हूँ बट मैं वैसे प्याज नहीं खाती हूँ। जैसे लोग सैलेड में प्याज खाते हैं, मैं नहीं खाती क्योंकि मुंह से बेड स्मेल सी बदबू सी आती है। और वरुण तो दीवाना था प्याज का, बट इस बंदे ने मेरे लिए प्याज छोड़ दिया, प्याज नहीं खाता सैलेड में। वैसे तो हम खाने में डालते हैं, और नॉनवेज छोड़ दिया मेरे लिए क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। और मैंने पहले ही बोला था कि तुम अगर ये सब कुछ खाओगे तो यू नो दूर रहना एक दो दिन। तो वरुण ने मेरे लिए नॉनवेज छोड़ा, प्याज नहीं खाता सैलेड में, और सब कुछ मस्ती मजाक, दोस्तों से भी कम। बट अच्छे दोस्तों से मिलना चाहिए, मैं तो हमेशा बोलती हूँ वरुण को कि जाओ एक बार और मिल के आओ। बट दोस्त अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, और फैमिली वाले होते हैं जो घरेलू होते हैं,
तो अच्छा लगा मुझे मिलके उससे। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, अच्छी सी पार्टी करेंगे। अभी तो बस चलते फिरते, बट नेक्स्ट टाइम प्याज खा के मत आइयो भाई, प्लीज़ मत आइयो, मुझे प्याज की स्मेल से कुछ होता है। आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था, आज कुछ खास नहीं हो पाया क्योंकि मैं, प्लीज़ गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, कर दो यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, देखते हो उधर सब्सक्राइब का बटन है और इधर लाइक का। और प्लीज़ आपको कुछ भी मुझसे कोई कुछ सजेशन देना हो या कुछ भी गिले शिकवे कमेंट कर दिया करो।